हे दोस्तों, आज आपको एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत काम आने वाली है। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादातर इंग्लिश से हिंदी में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप हिंदी का जो भी लिखे हैं मैटर उसको इंग्लिश में, या इंग्लिश का आप जो भी लिखे हैं हिंदी में कैसे आप कर सकते हैं, तो आप बेसिक तरीके से क्या करते हैं कि एक्सेल में आप उसको अगर करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से आप कोई ऐसे टूल्स का यूज करते हैं जो हिंदी इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करता है। तो आपको क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे सीटें होती हैं और बहुत सारे यहाँ पे नेम होते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे नेम हैं और इन सारे नेम को आज आपको बताने वाला हूँ कि बिना किसी टूल्स के माध्यम से आप कैसे इन सारे जितने हमारे इंग्लिश में लिखे हैं इन सबको आप कैसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हिंदी कैसे ला सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल आपके ट्रांसलेटर आता है, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर एक्सेल में बोल दिया जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी करने में। क्योंकि आप बेसिक तरीके से क्या करते हैं कि आप इजी तरीके से जाते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन में, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से कृतिदेव यानी जो हिंदी फॉन्ट होता है आप इजी तरीके से क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, या मोर फॉन्ट पे क्लिक कर आप यहाँ से भी क्या करते हैं उस फॉन्ट को आप चॉइस करते हैं, या आप इजी तरीके से यहाँ से जो भी फॉन्ट है आप यहाँ से फाइंड करते हैं, जो भी यहाँ पे फॉन्ट वगैरह होता है तो आप इजी तरीके से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत काम आने वाली है, तो उस ट्रिक्स के बारे में चलिए हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेम है, अगर इस नेम को हमें हिंदी में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है शिवम, सुप्रिया, पारुल, अमित, सुमित, ये सारे जितने नाम यहाँ पे लिखे हैं, तो अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप इजी तरीके से हिंदी में एक फार्मूला यूज कर आप एक्सेल में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए आपको फार्मूला बताते हैं कि आपको किस तरीके से फार्मूला को यूज करना है। तो सबसे पहले फार्मूला यूज करने के लिए आपके पास लेटेस्ट स्प्रेडशीट यानी एक्सेल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन रहेगा तभी ये जो फार्मूला है काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 हमारे पास है, इसमें हमने यूज किया तो नहीं काम कर रहा था, तब हमने यहाँ पे एडवांस यूज किया एक्सेल। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आना है, इसके सामने क्लिक करना है और यहाँ पे लगाना है इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, आपको फार्मूला को टाइप करना होगा। तो वो फार्मूला है गूगल, आपको टाइप करना है गूगल। उसके बाद जैसे आप गूगल यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आपको देगा गूगल ट्रांसलेट, इस पर बस आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जो आप दिखाना चाहते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट है शिवम, तो हमने शिवम को यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है कामा, एक स्पेस देना है, और यहाँ पे फिर से पूछ रहा है सोर्स लैंग्वेज यानी आपका कौन सा लैंग्वेज है। तो सबसे पहले आपको डबल इंटेड कामा के अंदर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए शॉर्ट नेम उसका होता है EN यानी इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपको फिर से डबल इंटेड कामा लगाना है, उसके बाद सिंगल कामा लगा के फिर स्पेस देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टारगेट लैंग्वेज यानी आप किस लैंग्वेज को टारगेट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लाने वाले हैं हिंदी को, तो आपको लगाना है इक्वल, और उसके बाद आपको बस यहाँ पे यच और उसके बाद यहाँ पे आई लिख देना है यानी हिंदी का जो शॉर्ट नेम होता है। उसके बाद आपको डबल इंटेड कामा को क्लोज करना है और यहाँ पे ब्रैकेट जो ओपन है इसको भी क्लोज कर आप जैसे इंटर हिट करेंगे लोडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी तरीके से यहाँ पे आ भी गया, और यहाँ पे सजेशन भी दे दिया, सजेशन फिर ऑटो फिल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये जितने यहाँ पे दिए हैं बिल्कुल इजी तरीके से एक फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये सारे यहाँ पे आ गए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप एक बार फिर से स्किप कर वीडियो को आप देख सकते हैं,
ये फार्मूला बहुत इजी सा है, आप देख सकते हैं ये फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। और इस फार्मूला का यूज करने के बाद आप जितने बड़े चाय डेटा को आप इजी तरीके से स्क्रॉल कर आप उसको ला सकते हैं। जैसे इसको हम कर देते हैं सपोज यहाँ पे डिलीट, अगर यहाँ पे हम क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे तभी यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग होगा और यहाँ पे सारे इजी तरीके से यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।